Hello viewers, this is Vahid Riyasmani here. Welcome to Factual Maths. So today we are going to start exercise number 13.3 of chapter factorization. ये जो आपका chapter factorization है, आप जानते हैं ये आपका term second syllabus है. And इसका first question, चलिए हम first question की ओर जाते हैं. First question आपका क्या कहता है? अभी आपने देखा, असल में हमने, अगर आपको याद हो, हमने multiplication पढ़ा. आपने मल्टीप्लीकेशन भी पढ़ा एंड उसके बाद सबसे पहले आपने एडिशन पढ़ा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन भी पढ़ा, ठीक है ना. ये चीज आपने पढ़ी किसका? ये आपने पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का. उसके बाद आपने पढ़ा मल्टीप्लीकेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आपने पढ़ा. यानी हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा, कुल मिला के आप अलजेब्रा पढ़ रहे हैं ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज में ये तीन चीजें आपने कवर अप की हैं. अब रहता है आपका, आपने देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, ये चीज आपने सीखी कहाँ पे? इस चीज को आपने सीखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज में. नाउ फाइनली हमारे पास है डिवीजन. अब डिवीजन जो रहा है, डिवीजन आपने सीखना है फैक्टराइजेशन में. किसका डिवीजन करना है हमने? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का डिवीजन हमने करना है इस चैप्टर में फैक्टराइजेशन. तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स. आपने डिवीजन का, आपने डिवाइड करना है. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर वन है आपके पास एंड इट सेज, इसका फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं. इट इज 28x4 डिवाइडेड बाई 56, बस इतना ही है. चलिए जी, इनको आपने डिवाइड करना है. 28x4 है, डिवाइड करना है. डिवाइड करना इट इज नॉट न्यू थिंग फॉर यू. आपके पास, आपके लिए कोई मुश्किल चीज या नई चीज नहीं है कि आप डिवाइड करेंगे और कैसे करेंगे. ओके चलिए जी, आप लिखें 28x4 डिवाइडेड बाई 56. ओके आपने आपने फैक्टराइजेशन पढ़ना है एंड फैक्टराइजेशन पढ़ भी रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं. आपने पीछे किया इसकी पहली और दूसरी एक्सरसाइज में, अगर आपको याद हो आपने फैक्टराइज किया, आपने इसको आपके पास जो नंबर दिया है या टर्म दी है या नंबर दिया है उसको आपने फैक्टराइज करना सीखा. यानी यू एक्सप्रेस दैट टर्म और दैट नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन. सिमिलरली हम यहां भी करेंगे. हम 28 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 14 × x × x × x डिवाइडेड बाई, अब 56 है, 56 को आप लिखेंगे 4 × 14 होता है आपका कितना? नहीं, 4 × 14 क्यों करेंगे हम इसको, 28 को एज इट इज ही लिखेंगे. 28 एज इट इज, अब 56 को आप लिखेंगे 2 × 28. 56 है ना डिनोमिनेटर में आपका, इसको लिख दीजिएगा आप 2 × 28. ये 28, ये 28 हो गया आपका कैंसल. आपका क्या बचा? अब देखो ये x की पावर 4 था ना, इसको आप चाहते तो लिख सकते थे x × x × x, वरना आप अगर इसको डायरेक्ट x की पावर 4 भी लिखते तब भी ये चीज ठीक थी. कोई जरूरत नहीं थी इनको एक्सपेंड करने की, एज ए प्रोडक्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं थी. तो आपके पास आंसर जो आया दैट इज x की पावर 4/2, या आप लिख सकते हैं 1/2 x की पावर 4. दिस इज योर आंसर. काफी आसान है. एक और पार्ट देखिएगा इसी का, इसी का एक और पार्ट जो कि है 66 p³ q² r³ यह ना आपका, हाँ, डिवाइडेड बाय 11 q r² डिवाइडेड बाय 11 q r² स्क्वायर. ओके आते हैं हम, इसको डिवाइड करना है ना, 66 p³ r³ है. तो देखिए हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, काफी आसान है. आपके पास फिर से लिखिएगा वैसे ही, 66 p³ r³ डिवाइडेड बाई है आपका 11 q r² स्क्वायर. देखिए आप जब डिवाइड कर रहे हैं ना तो आपका फोकस होना चाहिए आपका डिनोमिनेटर खत्म करने की, लेकिन हर हमेशा आपका डिनोमिनेटर खत्म नहीं होगा. समटाइम्स आपका न्यूमिनेटर भी खत्म हो जाएगा. अब डिपेंड करता है न्यूमिनेटर में बड़ा नंबर है या डिनोमिनेटर में आपका बड़ा नंबर. अब देखिए जैसे यहाँ बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में था, यहाँ डिनोमिनेटर खत्म नहीं हुआ, न्यूमिनेटर खत्म हुआ एंड पूरा नहीं हुआ, यानी नंबर की बात कर रहा हूँ. यहाँ जो कोफिशियंट था वो खत्म हो गया. यहाँ डिनोमिनेटर में छोटा नंबर है तो छोटा नंबर अब खत्म किया जा सकता है. अब पहले आप इसको लिखिए, एक्सप्रेस कीजिएगा. ये लिखा जा सकता है क्यू आर स्क्वायर है ना, इतना ही है ना क्यू आर का स्क्वायर. हाँ ठीक है. चलिए आपका फोकस होना चाहिए जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपको एक्सट्रैक्ट करना है न्यूमिनेटर से. चलिए जी, 11 क्यू आर का स्क्वायर इंटू लिखेंगे आप 6. देखिए 11 है ना, यहां से निकाला जा सकता है ना, या छोड़िए इस चीज को छोड़िए, हो सकता है आपको कॉम्प्लेक्सिटी लग रही हो कॉमन निकालने में, तो हम क्या करेंगे 11 × 6 करेंगे. ओके
एंड इंटू करेंगे पी, इंटू करेंगे क्यू, इंटू करेंगे फिर से क्यू, इंटू करेंगे आर, इंटू करेंगे आर, इंटू करेंगे आर. वाई इट इज सो, क्योंकि आर आपके पास, आर की पावर आपके पास कितनी है, तीन है. सो आर की पावर अगर तीन है तो हम इसको तीन बार लिखेंगे. एंड डिवाइडेड बाय 11 क्यू इंटू आर, 11 इंटू क्यू इंटू आर इंटू आर. अब देखिए, दो आर दो आर, क्यू क्यू, 11 11. बाकी जो चीज आपके पास बची वो क्या, वो क्या रहा, 6PQR आपका आंसर रहेगा. 6PQR आपका हो गया आंसर. इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे. काफी आसान है आपके पास डिवीजन, कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं है. इसके कुल मिला के चार पांच, पांच पार्ट दिए हुए. जरा एक और पार्ट देखिएगा इसका. आईवी पार्ट देखिएगा जरा इसका क्या है. आईवी पार्ट 34x की पावर 3 y की पावर 3, 34x का क्यूब y का क्यूब z का क्यूब डिवाइडेड बाय है आपका कितना है, डिवाइडेड बाय 51xy square z का क्यूब. ये है आपका, चलिए जी लिखिए. पहले लिखेंगे आप इसको, 34x क्यूब y क्यूब z का क्यूब डिवाइडेड बाय है 51xy square z का क्यूब. चलिए जी आगे क्या होगा. अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने आपको कहा कहीं आपका डिनोमिनेटर खत्म होगा पूरा, कहीं आपका न्यूमिनेटर खत्म हो रहा है. यहाँ चीज देखिए क्या, कौन सा खत्म होगा आपका. हमारे पास है ना 34, हम इसको लिख सकते हैं 17 इंटू 2 हो गया आपका 34, इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड. तीन बार है तो तीन बार लिख दिया आपने. डिवाइडेड बाई है, आप इसको करेंगे 3 × 17 × 3 होगा. ये क्या होगा, 17 × 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड. तीन बार तो 3z नीचे से 3z ऊपर से खत्म, 2y नीचे से 2y नीचे से खत्म, x और x खत्म, 17 और 17 खत्म. बाकी जो बचा देखिएगा, 2/3 बचा, 2/3 बचा, 2/3 लिखो जी, 2/3 एंड और क्या बच रहा है, x square y हो गया आपका आंसर. इस तरीके से ये आप आसानी से डिवाइड कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू अवर सेकंड क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन आपका है. इस एक्सरसाइज के कुल मिला के आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं, हम 5 में से देखते हैं. आई थिंक 3 आज कर लेंगे एंड 2 जो बचेंगे उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करने की कोशिश करेंगे. क्वेश्चन नंबर है आपका इसका 2, एंड 2 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 भी आपका सेम ही है, लेकिन इसका फर्स्ट पार्ट है 5x square minus 6x. फर्स्ट पार्ट है माइनस 6x डिवाइडेड बाई है आपका क्या है, डिवाइडेड बाई हो गया आपका 3x. चलिए जी सॉल्यूशन इसका शुरू कीजिएगा. 5x square minus 6x डिवाइडेड बाई लिखिएगा 3x. अब मसला है, जो आपका डिनोमिनेटर है यू नीड टू कैंसल इट आउट, आपको उसको वैनिश करना है, खत्म कर देना है. कैंसल कैसे करेंगे, फिलहाल तो आपने ऊपर देखना है कहीं 3x निकल रहा है या आपके पास है, 3x आपके पास है ऊपर या नहीं. चलिए जी लिखिए पहले 5x का स्क्वायर माइनस है आपका 6x, नहीं हमें 3x चाहिए कॉमन, हम निकालते हैं 3x निकाल दिया आपने. लेकिन मसला है 3x आपने निकाला, अगर इन दोनों में से ऊपर आप उन दोनों में से 3x कॉमन ले रहे हैं तो 3x तो है ही उनमें, इसमें से 3x नहीं निकल सकता. इससे 3x निकल सकता है लेकिन इससे 3x आपका नहीं निकल सकता. सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, आपने 3x निकाल दिया है, x चलो ठीक है x निकल सकता था लेकिन 3 निकल सकता नहीं निकल सकता. तो उस समय इस केस में आप इसको डिवाइड करेंगे 5/3 × x. ऐसा क्यों किया, देखिए जरा चेक कीजिए, चेक कीजिएगा 3x × 5/3, 3 और 3 कैंसिल हो गया, यहाँ x है ना, x into x हो गया, फिर से क्या x into x square into 5 5x square. यानी कि कुल मिला के क्रक्स हम ये कहेंगे आपको कि अगर आप किसी नंबर में से ऐसा नंबर कॉमन निकालते हैं या टर्म हो कोई और चीज हो उनमें, उसमें से ऐसी चीज कॉमन निकालते हैं जो उसमें एग्जिस्ट नहीं करती, जो उसमें नहीं होती है, सो इन दैट केस यू नीड टू डिवाइड दैट नंबर बाय द नंबर दैट यू टुक एज ए कॉमन. जो आपने कॉमन लिया उसी से आप डिवाइड करते, कॉमन क्या लिया 3x एंड 3 से आप और डिवाइड करना पड़ा एंड उससे 3x निकल सकता था, अंदर बचेगा आपका 2 डिवाइडेड बाय है 3x, ये और ये कैंसिल, आपका आंसर हो गया 5/3x - 2. हाँ आगे और हो सकता है मॉडिफाई, आगे और ये सिंप्लीफाई हो सकता है, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x - 6/3 हो गया आपका 3, आपका आंसर होगा 1/3 × 5x - 6. यहाँ क्या करेंगे
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से, इसके नीचे 1 है, 5x को 1 से, 3 को 2 से, आ गया 6 अपॉन 3, 1 जा 3, अभी 1 अपॉन 3 बाहर ले लिया, अंदर बचेगा 5x माइनस 6, ये आपका आंसर रहा, ओके। अब काफी आसान है, एक और पार्ट देखिएगा इसका, इसी का हम करते हैं पार्ट नंबर, इसी क्वेश्चन का हम कर रहे हैं पार्ट नंबर, सपोज इसका सेकेंड पार्ट भी करते हैं जरा। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, कहता है 3xy की पावर 8, 3xy की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4, 5y की पावर 4 डिवाइडेड बाई है आपका कितना, y की पावर 4, y की पावर 4। चलिए काफी आसान है, नहीं करना चाहिए था। चलिए 3xy की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4 डिवाइडेड बाई y की पावर 4, ओके। अब हम आगे क्या करेंगे इसमें, देखो जी क्या होगा आपका, 3xy की पावर 8 है ना, 3xy की पावर 8, आपका डिनोमिनेटर क्या है, लुक एट योर डिनोमिनेटर, जो आपका डिनोमिनेटर है, ट्राई टू टेक इट एज कॉमन फ्रॉम द न्यूमिनेटर, आप इसको कॉमन निकालने की कोशिश कीजिए किस में से, न्यूमिनेटर से, एंड इट इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में हर जगह से निकाला जा सकता है, y की पावर 8 है, y की पावर 6 है, y की पावर 4 है, निकाला जा सकता है। हम लिखेंगे y की पावर क्या 4 आपको चाहिए, अंदर बचेगा जब इसमें से तीनों में से y की पावर 4 निकाला आपने, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 3xy की पावर 4, ओके, क्यों, क्योंकि y की पावर 8 है, y की पावर 8 है ना, y की पावर 4 आपने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा y की पावर 4 एंड माइनस इधर बचेगा 4y की पावर 2, y की पावर 4 निकल सकता, उधर बचेगा सिर्फ 5, उसका y की पावर 4 ले लिया है कॉमन आपने, तो वहां कितना बच रहा है आपका, वहां सिर्फ आपका बच रहा है y की पावर 4, जब आपने ले लिया वहां सिर्फ 5 बचेगा डिवाइडेड बाई y की पावर 4, ये और ये कैंसिल हो गया, बाकी आंसर आपका 3xy की पावर 4 माइनस 4y का स्क्वायर प्लस 5 आपका हो गया आंसर, दिस योर आंसर। एक और पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का, हम तीसरा पार्ट, कोई सा कोई एक सा पार्ट करते हैं इसी एक्सरसाइज का, लेकिन मान के चलते हैं, मान के चलते हैं हम कर रहे हैं इसी एक्सरसाइज का पार्ट नंबर, कौन सा पार्ट करेंगे अभी हम, इसका आईवी पार्ट देखिएगा आप जरा, ओके। आईवी पार्ट आपका क्या कहता है, x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2, x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 एंड साथ में है प्लस 3x प्लस 3x डिवाइडेड बाय बोला है 2x, चलिए 2x डिवाइडेड बाय 2x है ना। चलिए जी आप यहाँ पे देखिए, जो चीज आपका डिनोमिनेटर है वही कॉमन निकालना है, 2x आप कॉमन ले लीजिएगा ऊपर से न्यूमिनेटर से, मैंने कहा जो चीज जब आपके आप ऐसी चीज कॉमन निकालते हैं जो वहां नहीं होती है तो उसी से डिवाइड करना, कॉमन क्या निकाला 2x तो 2x से ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा, आप क्या करेंगे x स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि x मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो गया, x का क्यूब 2 और 2 हो गया कैंसिल, बाकी वही बचेगा एंड वहां से 2 निकल सकता था तो बचेगा आपका x अंदर कॉमन, एंड यहां से 3 में से सिर्फ x निकल सकता था, x निकाला है वहां बचेगा आपका, उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा अपॉन है 2x, ये और ये कैंसिल हो गया, अब अंदर ये सिंपलीफाई होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एलसीएम आपका आता है 2 एंड यहां आएगा आपका कितना x का स्क्वायर, बीच में आएगा 2x एंड वहां आएगा आपका कितना 3, आपका आंसर होना चाहिए 1 अपॉन 2 इनटू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हो गया आपका आंसर, काफी आसान है। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन, आपका तीसरा क्वेश्चन है एंड तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपसे कहता है वर्क आउट द फॉलोइंग रीजंस, अब डिवाइड करना है, इसका हम थोड़ा पार्ट करना है डायरेक्ट, तीसरा पार्ट क्या है 10y into है आपका क्या दिया हुआ है 6y plus 21 divided by, अब divided में हम वो ये वाला divide नहीं लिख रहे हैं, उसको हम सीधा अपान में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये भी divide ही होता आपका, तो divide 5 into 2y plus 7 ये चीज है आपके पास, ओके। चलिए जी अब हम क्या करेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर है वो कॉमन निकालने की कोशिश कीजिएगा, तो हम ऐसा करेंगे 10y as it is, 10y को भी हम थोड़ा सा as a product लिखते हैं, हम इसको लिखेंगे 2 into 5y बनता है ना, 2 into 5y तो उसका बन सकता है, तो लिख देंगे या लिखेंगे 2y into 5, अंदर से अब कॉमन निकालना है आपने, कॉमन उसमें से निकलेगा, उसमें से कॉमन क्या निकलेगा, किस में से 6y plus 21 में से, 6y है यार ये, 6y ये क्या, हाँ उसमें से 3 कॉमन निकल सकता है, अंदर बचेगा 2y plus 7,
3 2 6 3 7 21 निकला कॉमन, अंदर क्या हुआ, नीचे क्या है, 5 × 2y + 7 2y + 7 5 और 5 कैंसिल, बाकी क्या बचा, 2y और 3 बचा ना, लेकिन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आएगा आंसर क्या, 6y हो गया आपका आंसर। एक और पार्ट देखिएगा, इसके शायद 6 पार्ट हैं, नहीं 5 ही पार्ट इसके भी हैं। आइएगा क्या है पार्ट नंबर, अगर हम करेंगे इसका पार्ट नंबर आईवी, देखिएगा जरा पार्ट नंबर आईवी क्या कहता है, 9x² y² z² 9x² y² z² एंड साथ में दिया 3z - 24 डिवाइडेड बाई है आपका 27xy इनटू है आपका कितना, z - 8 ओके हम ऐसा करेंगे, कॉमन जो आपको चाहिए वही निकालिएगा, आप पहले उसमें से कॉमन लिखिए, निकाल लीजिएगा 9, इसको आप एक्सप्रेस करेंगे सिंपल टर्म्स में लिखेंगे, इसको आसान करके लिखेंगे, इसको लिख दीजिएगा आप, हाँ ठीक है, 9 × x × x क्योंकि दो बार x है, × y × y × z × z दो बार है ना z, आप ऐसे लिए काफी आसान है, आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि जितने टाइम्स है उतनी बार आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड उधर से कॉमन निकल रहा है तीनों में से, इन दोनों में से 3z और 24 में से कॉमन निकल सकता है 3। देखिए ये कैसे होता है, आप कॉमन निकालते हैं ना, क्या है आपका 3z - 24 है ना, कॉमन जब आप निकालते हैं इसको लिख सकते हैं 3 × z माइनस, इसको लिख सकते हैं आप 3 × 8 अब 3 दोनों में है उस चीज को आप बाहर ले रहे हैं, 3 अगर दोनों में बाहर ले लिया अंदर बचा z - 8 इसलिए हम डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, यहां आपको मैंने दिखाया कैसे हम करते हैं ओके, z - 8 डिवाइडेड बाई है 27xy z - 8 डायरेक्ट आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अभी 27 भी है उसका कुछ इलाज करना है, तो 9 × 3 = 27 कर दीजिएगा। देखिए यहाँ इन सारों को आप इसमें मल्टीप्लाई है तो आपको ही फर्क नहीं पड़ता है, 3 इधर है 7 उधर है, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई होगा, यह आएगा 27, x इधर है एंड y एक इसके साथ लिख दीजिएगा, बाकी सारी चीजों को अलग, एक x लिखा एंड उधर से z - 8 भी इसी के साथ लिखिएगा, डिवाइडेड बाई 27xy × z - 8 अब किया क्या मैंने, मैंने कुछ नहीं किया, x ऐसे ही रखा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, एक x लिखा और एक y लिखा, बाकी क्या बचा, इंटू x बचा एक, इंटू y भी बचा एक, इंटू z बचे आपके पास दो, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा z² ये सारा कैंसिल, आपका आंसर क्या हो गया, xy z² आपका आंसर हो गया, इस तरीके से आपका हो गया इसका एक और पार्ट। चलिए एक और पार्ट हम कर रहे हैं इसका, वो करेंगे हम इसका तीसरा पार्ट, तीन तीन पार्ट कर रहा हूं मैं हर एक क्वेश्चन में से, इसका भी हम एक और पार्ट करते हैं, क्या कौन सा, 10y × 10y × 6y + 21 तीसरा पार्ट है, 10y × 6y + 21 ये तो अभी किया ना यार हमने, ये अभी किया हमने 6y + 21 अभी किया हमने, अब करेंगे इसका 10x दूसरा पार्ट है 10x - 25 - 25 डिवाइडेड बाई है 2x - 5 जरा करेंगे इसको डिवाइड आप, ठीक है काफी आसान है। चलिए 10x ऊपर से कॉमन देखिए जरा क्या निकल सकता है, देखो कॉमन चीज, अब मैं इसको थोड़ा आसान करके लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 5 × x माइनस, इसको लिख सकता हूँ मैं 5 × 5 डिवाइडेड बाई है 2x - 5 कुछ नहीं करेंगे, इसको लिखा 10x को लिखा आपने 2 × 5 देखो चेक करो ना 2 × 5 कितना होता है 10x, 5 × 5 कितना होता है 25। अब देखो दोनों में क्या है, इधर भी 5 है उधर भी 5 है, उसको आप बाहर ले लीजिएगा, अंदर क्या बचेगा 2x - 5 उधर एक 5 निकाला एक ही बचेगा, एक 5 बाहर निकाला एक अंदर बचेगा, एंड यहाँ क्या हो गया आपका 2x - 5 ये चीज और ये चीज कैंसिल, 5 आपका आंसर। सो ये थे आज के लिए काफी क्वेश्चन, इतने काफी है 3 क्वेश्चन आज के लिए, अभी इसके बच रहे हैं 2 क्वेश्चन, आई होप आप उनको कवर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड जो आपको पढ़ाया गया आई होप कि आपको समझ आया, अगर आपको ये मेरा पढ़ाना अच्छा लगा
एंड मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है, अगर आपको ये समझ आया, फैक्टराइजेशन चैप्टर समझ आ रहा है, बाकी भी इससे पीछे जितने लेक्चर्स निकले हैं, जितना भी मैंने आपको पढ़ा है, टर्म सेकंड जो एट्थ का सिलेबस है, ये आपको अच्छा लग रहा है. एंड आप जानते हैं कि मैं साथ साथ में टेंथ का सिलेबस भी कवर कर रहा हूँ. और टेंथ का हम अभी तो यूनिट 4 ही पढ़ रहे हैं. तो अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्ल्यू रहता है, तो आप बराए मेहरबानी उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आपकी कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करेंगे. एंड बाकी अपना प्यार दिखाते जाइएगा, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट करते जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करना. थैंक यू.